राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो अध्यात्म से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, पूजा पाठ हम हिंदुओं के जीवन का एक अभिन्न अंग है और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो थोड़ी ना थोड़ी पूजा जरूर करते होंगे। पूजा पाठ करने के लिए हमें एक उत्तम स्थान की आवश्यकता होती है, ये तो सब लोग जानते हैं। इसलिए किसी भी घर का जो पूजा घर होता है उस घर की आत्मा माना जाता है, उस घर का दिल माना जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा दिल हमारे पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में अहम योगदान देता है, उसी प्रकार हमारे घर का मंदिर हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में अहम योगदान देता है। दोस्तों, इसलिए हमें अपने पूजा घर को बनाते समय कुछ खास बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पूजा साधना तभी सफल होती है जब हमें उचित वातावरण मिलता है और घर का मंदिर पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है और हमारे घर में जो भी निगेटिव एनर्जी है उसे आने से रोकता भी है। दोस्तों, अगर हम घर में ठीक प्रकार से भगवान की पूजा पाठ करें तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हमें ईश्वरी कृपा का सहयोग जरूर प्राप्त होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हमें घर के पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए और इसका क्या कारण है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ काली माता की। दोस्तों, हमें काली माता की कभी भी रुद्र अवतार की मूर्ति या प्रतिमा अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो रुद्र अवतार की प्रतिमा होती है, जो उनकी ऊर्जा होती है, उन्हें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए अपने घर में सदा जो भी मूर्तियां रखें भगवान की, उनका जो है सौम्य रूप आप अपने घर में रखिए, उन्हें स्थान दीजिए। काली माता की आप सुंदर सी प्रतिमा अपने घर में लगाएं तो ये आपके घर के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके पूजा पाठ के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप कभी भी घर में लक्ष्मी माता की खड़ी अवस्था की मूर्ति ना लगाएं दोस्तों, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो लक्ष्मी माता होती हैं वो बहुत चंचल स्वभाव की होती हैं और ज़्यादा समय तक एक जगह नहीं टिकती। इसी कारण से उन्हें चंचला भी कहा जाता है और उनकी जो स्वभाव होता है वो चंचल होता है। इसलिए आप जो लक्ष्मी माता की बैठी अवस्था की मूर्ति लगाइए ताकि वो आपके घर में स्थित होकर रहें। और ये जो मूर्ति होती है, इस तरीके की जब आप मूर्ति अपने घर में रखेंगे लक्ष्मी माता की बैठी हुई कमल के आसन में बैठी हुई जो प्रतिमा होती है वो आपके लिए उचित होती है। और ये याद रखिए कि अगर लक्ष्मी माता एक हाथ से आपको आशीर्वाद दें और एक हाथ से धन की वर्षा करें तो यकीन मानिए कि ऐसी मूर्ति आपके जीवन में परिवर्तन लाने में ज़रूर सहयोग करेगी और आपके घर में लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, घर के मंदिर में शनि देव की भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए हमें, क्योंकि शनि जो होते हैं न्याय के देवता कहलाते हैं। पता चला हो गई गलती हमसे पूजा करने और वो रूठ गए, इसलिए आप शनि देव की पूजा मंदिर में जाकर करें तो ज़्यादा उचित रहेगा और उन्हें घर के मंदिर में आप ना रखें, क्योंकि उनका रख रखाव जो होता है आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मंदिर में जाके पूजिए। दोस्तों, घर के पूजा स्थान में हमें भैरव जी की प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो आप कहेंगे कि भैरव जी तो शंकर जी का ही रूप है तो क्यों नहीं रख सकते हम उनकी मूर्ति, पर जो शंकर जी का भैरव रूप है वो उसकी जो साधना है तंत्र मंत्र की सिद्धि चाहने वाले लोग करते हैं, भक्ति चाहने वाले लोग नहीं करते हैं। इसलिए हमें भैरव जी की जो प्रतिमा होती है उसे अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको मंदिर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना है। अगर आपको शिवलिंग रखने की इच्छा है तो अंगूठे के आकार से ज़्यादा बड़ी शिवलिंग घर पे ना रखें। हम शिव जी की फ़ोटो, प्रतिमा, मूर्ति कुछ भी रख सकते हैं और शिवलिंग को बहुत छोटा आपको ख़रीदना है, छोटे स्वरूप का शिवलिंग खरीदिए और उसे आप अपने घर में रख सकते हैं। वैसे भगवान की किसी भी प्रतिमा और जो उनकी जो फ़ोटो होती है उसको रखने में कोई आपत्ति नहीं होती है, परंतु
कुछ जो फोटो होती हैं, कुछ प्रतिमाएं होती हैं, उनकी पूजा पाठ अलग तरीके से की जाती है, उनकी जो ऊर्जा होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है, कुछ साधनाएं होती हैं उनकी अलग तरीके की होती हैं, इसलिए उन्हें हम नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने घर में उचित अगर भगवान की फ़ोटो रखते हैं और उनकी जो है पूजा आप पूरे मन से करते हैं तो ईश्वर की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अपनी कृपा आप पर सदा बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।